जानिए ताज होटल क्यों कहलाता था जमशेद जी का सफेद हाथी। जमशेद जी टाटा द्वारा 1903 में मुंबई में बनी ताज होटल को बनने में करीब 14 साल लगे थे। ताज होटल बनाने के ऐलान पर जमशेद जी टाटा के घर पर भी विरोध हुआ। बहन ने गुजराती में कहा, आप बेंगलोर में साइंस इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, लोहे का कारखाना लगा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि भतार खाना यानी होटल खोलने जा रहे हैं। जमशेद जी टाटा के दिमाग में बॉम्बे में भव्य होटल बनाने का आइडिया यूं ही नहीं आया था, बल्कि इसके पीछे एक और कहानी और बदले की आग थी। उन दिनों बॉम्बे के काला घोड़ा इलाके में स्थित वॉटसन होटल सबसे नामी हुआ करता था। वहां सिर्फ यूरोप के लोगों को प्रवेश मिलता था। जमशेद जी टाटा जब वहां पहुंचे तो उन्हें यूरोपियन ना होने की वजह से एंट्री नहीं मिली और यही बात उनके दिल में घर कर गई। 1865 में सैटरडे रिव्यू में एक लेख छपा था जिसमें लिखा गया था कि बॉम्बे को अपने नाम के अनुरूप अच्छा होटल कब मिलेगा। ये बात भी टाटा के दिल को लग गई थी। टाटा ताज होटल के लिए सामान खरीदने दुनिया के कोने कोने तक गए। ताज होटल भारत का पहला ऐसा होटल था जहां कमरों को ठंडा रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ निर्माण संयंत्र लगाया गया था। होटल के लिए पंखे अमेरिका से आए थे, हॉल के बॉलरूम में लगाने के लिए खंबे पेरिस से आए थे। ताज होटल की कुल लागत 26 लाख रुपए थी। 1903 में जब इसे खोला गया तो इसके कमरों का किराया 6 रुपए प्रतिदिन रखा गया। ये लगभग अन्य होटलों के बराबर ही था। पहले दिन 17 गेस्ट पहुंचे। ताज होटल के खर्चों ने जमशेद जी टाटा के सामने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया, इसीलिए कुछ लोगों ने इसे जमशेद जी टाटा का सफेद हाथी नाम दे दिया था।